गुस्सा तबीयत बनानी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा कि यार मुझे, मैं ये जो कर रहा हूँ, सबाब मिलेगा गुना मिलेगा, सबाब मिलेगा गुना मिलेगा, सबाब मिलेगा कि गुना मिलेगा, या कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिले, काश ये भी समझ में आ जाए। एहतराम मुस्लिम में शायद आपने पढ़ा हो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही काम करते थे जिसमें सवाब मिले। अच्छा, अब हम अपने कामों का जायजा लें कि हम कौन कौन सा ऐसा काम करते हैं कि जिसमें ये हमारी तबीयत होती है कि इसमें सवाब मिलेगा कि नहीं, तो पता ही नहीं होता। हम सवाब के काम कौन से करते हैं? अगर जो गुनाह से बचता भी है तो वो भी सवाब वाले काम कितने करता है, और जिसमें ना सवाब ना गुनाह मुबाह, ये कितने करता है? ये गौर कर ले। हमारे अगर दिन में यूं हम हिसाब किताब लगाए ना, तो शायद हजारों काम लाखों काम ऐसे निकल आएंगे कि जो बिल्कुल मुबाह थे, फोकट में गए, ना सवाब मिला। चलो गुनाह नहीं हुआ, ये कर्म है, लेकिन सवाब भी नहीं मिला, तो यूं गए तो बेकार ना। दुनियादारी का जहन है, कारोबारी पॉइंट इसको मिलेगा, इस ताल्लुक से उसकी तबीयत अखाज होती है, ये ले लेगा। कब दाम बढ़ेगा, कम घटेगा, कौन सी आइटम मुफीद है, कहाँ ज्यादा दाम आएगा, इस तरह की बातें वो जानने के लिए, सीखने के लिए बेकरार होता है। नींद में भी सीखता होगा, ख्वाबों में जाकर भी, कि मेरे पैसे किस तरह बढ़े, तो ये इस मामले में अखाज होता है। नेकियां किस तरह बढ़े, इस मामले में अखाज अल्लाह बना दे हम सबको, कि जो जो नेकी बढ़ाने वाला काम मिले हम उसको छाप लें, हासिल कर ले। काश अल्लाह मुझे भी हकीकी मानों में हुस्सास बना दे।